दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस के तीन स्टेजेस होते हैं, एप्लीकेशंस, प्रेफरेंस फिलिंग एंड सीट एलोकेशन। ये तो सभी को पता है। अब एप्लीकेशंस एंड प्रेफरेंस लिस्ट के प्रोसीजर पर भी हम बात कर चुके हैं, बट प्रेफरेंस लिस्ट के टर्म से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है, जिस पर आप अभी सोचिए मेरे साथ। तो फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ DU एस्पिरेंट एंड मैंने अपने प्रेफरेंस लिस्ट में BCom ऑनर्स फ्रॉम SRCC को टॉप मोस्ट पोजिशन पर रखा है। अब SRCC में BCom ऑनर्स के लिए 30,000 से भी ज्यादा बच्चे एनुअली अप्लाई करते हैं, तो इस सिचुएशन में मैं कैसे डिसाइड करूं कि क्या मेरा सिलेक्शन BCom ऑनर्स में होएगा या नहीं होएगा? क्योंकि मुझे सिर्फ मेरे स्कोर्स के बारे में पता है, मुझे मेरे कॉम्पिटिटर के स्कोर्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है। अगर मेरे 99 परसेंटाइल आए हैं, तो कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके भी 99 परसेंटाइल आए हैं? आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। अब ऐसे पोजिशन पे आई हैव नो क्लू कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब चलो, मुझे कहीं से एक आइडिया मिल भी जाता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है, बट स्टिल मेरे प्रेफरेंस लिस्ट में मैंने BCom ऑनर्स को टॉप पोजीशन पर रखा है एंड प्रेफरेंस लिस्ट की टाइमलाइन खत्म हो चुकी है, तो अब मैं क्या करूं? क्या मैं अपने DU के ड्रीम को बंद कर दूं, खत्म कर दूं? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर CVT YouTube सुपरग्रेट्स चैनल। आई एम शिखा एंड आज की वीडियो में हम इन क्वेश्चन के आंसर्स पर बात करेंगे। ये एक बहुत ही वैलिड, एक बहुत ही जेन्युइन कंसर्न है स्टूडेंट्स का कि DU ने आपसे ये तो बोल दिया कि आप प्रेफरेंस लिस्ट को फिलअप कर दीजिए, बट आपको कोई आइडिया नहीं है कि कितना कंपटीशन आप फेस करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई ऐसा कोर्स है जिसमें बहुत तगड़ा कंपटीशन इस साल हमने देख लिया, तो इट इज एडवाइजेबल कि ऐसे केस में आप ऑब्वियसली किसी और कोर्स के लिए जाओ जिसमें आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है। बट जब आपको पता ही नहीं कि आपका रैंक क्या है, आप कहाँ लाई कर रहे हो, कितना कॉम्पिटिशन है, तो आप प्रेफरेंस लिस्ट कैसे भरोगे? आप कैसे ऐसे कोर्स को या कॉलेज को टॉप पोजिशन पर रखोगे जिसमें कॉम्पिटिशन कम है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है? इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाला है DU ने इन द फॉर्म ऑफ सिम्युलेटेड रैंक लिस्ट। यहां से आप अपने रैंक देख सकते हो कि आउट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स जिन्होंने DU में अप्लाई किया है, वेयर डू यू स्टैंड, व्हाट इज योर रैंक? एंड इसके बाद, क्योंकि अब आपको पता है आपकी रैंक क्या है, इसके बाद DU दोबारा प्रेफरेंस लिस्ट के विंडो को ओपन करेगा, जिसके बेसिस पर आप दोबारा अपने प्रेफरेंस लिस्ट को भर सकते हो। तो आज के वीडियो में हम इसी चीज पर इन डिटेल बात करने वाले हैं कि सिमुलेटेड रैंक्स आप कैसे व्यू कर सकते हो। अब आपने अपनी रैंक्स देख ली, तो कैसे आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को दोबारा भरना है, बिकॉज इसके बाद DU आपको कोई चांस नहीं देगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। एंड उससे पहले, सिम्युलेटेड रैंक से पहले, एक छोटी सी अपडेट मैं आपको बता दूं कि आपके फेज 1 एंड फेज 2 के रजिस्ट्रेशंस की डेडलाइन इंक्रीज एक्सटेंड कर दी गई है। तो अभी तक आपके फेज 2 24 जुलाई को खत्म हो रहे थे, बट अब एक न्यू डेडलाइन निकली है, तो 26 जुलाई शाम के 5 बजे से पहले आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो और प्रेफरेंस फिलिंग भी कर सकते हो। इस चीज का ध्यान रखिए। एंड फॉर ऑल द कैंडिडेट्स जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है, DU हर साल अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए करेक्शन विंडो को ओपन करता है, जहां से आप अपने फॉर्म्स में करेक्शन कर सकते हो। तो दैट विंडो इज ऑल्सो ओपन राइट नाउ, एंड इसकी भी लास्ट डेट है 26 जुलाई शाम को 5 बजे तक। एक चीज आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप अपने बाकी के पर्टिकुलर्स को चेंज कर सकते हो, एक्सेप्ट योर नेम, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ईमेल आईडी एंड योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। इसके अलावा आपने जो भी पर्सनल डिटेल्स या एकेडमिक डिटेल्स फिलअप किए थे, उनको आप रेक्टिफाई कर सकते हो, एज वेल एज यू कैन अपलोड री अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स एज वेल। तो रजिस्ट्रेशन भी ओपन है, प्रेफरेंस फिलिंग भी ओपन है एंड करेक्शन विंडो भी ओपन है, बट इन सभी प्रोसेसेस की लास्ट डेट है 26 जुलाई शाम के 5 बजे। सो हरी अप। अब इसके बाद मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा हमारे टॉपिक का आता है, सिम्युलेटेड रैंक लिस्ट। तो लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सिम्युलेटेड रैंक लिस्ट इज रिलीज्ड बाय DU ये बताने के लिए कि
कि आपके कोर्स में आपने जिन कोर्सेज को अपने प्रेफरेंस लिस्ट में भरा है कितना कंपटीशन होने वाला है एंड उस कंपटीशन में आप कहाँ लाए करते हो। तो हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। अगेन आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ डीयू एस्पिरेंट एंड मैंने अपने प्रेफरेंस लिस्ट में 3 कोर्सेज भरे थे। तो फर्स्ट पोजीशन पे मैंने भरा था बीकॉम ऑनर्स, सेकेंड पोजीशन पे मैंने भरा था बीए ऑनर्स एंड थर्ड पोजीशन पे मैंने बीएमएस भरा था। अब मैं अपने सिमुलेटेड रैंक लिस्ट में हर कोर्स के करिस्पॉन्डिंग अपनी रैंक देख पाऊंगी। तो फॉर एग्जांपल ये मेरी रैंक लिस्ट है, बीकॉम ऑनर्स के अगेंस्ट मैंने देखा कि मेरी रैंक है 15,000। मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया है डीयू बीकॉम ऑनर्स के लिए, उसमें से मैं 15,000 पोजीशन पर लाए करती हूँ। बीए ऑनर्स के लिए सिमिलरली मेरी रैंक है 1,000 एंड बीएमएस के लिए मेरी रैंक है 3,500। तो अब इस लिस्ट के थ्रू मुझे एक फेयर आइडिया मिल रहा है। आप ही बताइए कि बीकॉम ऑनर्स में अब मेरी 15,000 पोजीशन है, तो क्या मैं एसआरसीसी में पढ़ाई कर पाऊंगी? क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा? ऑब्वियसली द आंसर इज नो। तो बीकॉम ऑनर्स मैं नहीं पढ़ सकती, बीकॉम ऑनर्स आई कैन नॉट गेट सिलेक्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम फ्रॉम डीयू। तो अगर मेरी प्रेफरेंस लिस्ट में बीकॉम ऑनर्स टॉप पर है, मेरे लिए एडवाइजेबल है दैट आई ब्रिंग दिस डाउन टू द लास्ट पोजिशन। अब मैंने देखा कि बीए ऑनर्स ऑल्दो मेरा सेकंड प्रेफरेंस है, ऑल्दो मैं सबसे ज्यादा तो बीकॉम ऑनर्स ही पढ़ाई करना चाहती थी, बट बीए ऑनर्स के केस में मेरी रैंक है 1,000। अब 1,000 रैंक पे मेरे पास एक बहुत ही फेयर आइडिया है और काफी सारा चांस है दैट आई कैन गेट सिलेक्टेड इन नॉर्थ और साउथ कैंपस कॉलेजेस। तो इन दिस केस व्हाट आई शुड डू, मेरे को बीए ऑनर्स को सबसे टॉप पोजीशन पर रखना चाहिए एंड बीए ऑनर्स के करिस्पॉन्डिंग कॉलेजेस को भी टॉप पोजीशन पर रखना चाहिए, बिकॉज यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि अगर मुझे डीयू से ही पढ़ाई करनी है तो वो बीकॉम ऑनर्स में नहीं होने वाला, इंस्टेड बीए ऑनर्स से हो सकता है। लास्ट मैंने भरा था बीएमएस में, बीएमएस की रैंक मेरी है 3,500। अब यहाँ से मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं चल रहा कि यार क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं, बिकॉज देर आर सर्टेन चांसेस कि साउथ कैंपस के कॉलेजेस में हो सकता है या फिर थर्ड या फोर्थ राउंड ऑफ काउंसलिंग में भी हो सकता है, बिकॉज ये थोड़े एंड के राउंड्स होते हैं काउंसलिंग के, यहाँ पर शायद कुछ अगर सीट वेकेंट बच जाती है तो वहां पे सिलेक्शन हो सकता है। बट स्टिल मुझे इतना पता चल रहा है कि अगर मैं बीकॉम ऑनर्स की रैंक को और बीएमएस की रैंक को कंपेयर करूं तो स्टिल मेरे बीएमएस में होने के ज्यादा चांसेस हैं, बीकॉम में बिल्कुल भी होने के चांसेस नहीं है। तो सिम्युलेटेड रैंक का मकसद ही यही है। अब आपको पता चल गया कि व्हाट इज द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ कंपटीशन जो आप फेस करने वाले हो फॉर योर कोर्स एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रेफरेंस लिस्ट को शफल कर सकते हो, क्योंकि अब मेरी जो नई प्रेफरेंस लिस्ट है वो कुछ इस तरीके से बननी चाहिए। तो फर्स्ट पोजिशन पर मुझे रखना चाहिए बीए ऑनर्स को, सेकेंड पोजीशन पर मुझे रखना चाहिए बीएमएस को एंड थर्ड पोजीशन पर मुझे रखना चाहिए बीकॉम ऑनर्स को एंड करिस्पॉन्डिंगली उनके कॉलेजेस को। क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि सिमुलेटेड रैंक लिस्ट क्या है एंड प्रेफरेंस लिस्ट को कैसे भरना है। जल्दी से टाइमलाइन पर भी देख लेते हैं कि आपकी सिमुलेटेड रैंक लिस्ट कब आएगी। तो एज यू कैन सी ओवर हियर, 29th जुलाई को आपकी सिमुलेटेड रैंक लिस्ट रिलीज होगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपके सीसास पोर्टल पर जाइए, सीसास पोर्टल पर लॉग इन करके डैशबोर्ड से आप अपने सिमुलेटेड रैंक लिस्ट को देख सकते हो। उसके बाद आपकी प्रेफरेंस लिस्ट रीओपन कर दी जाएगी, फिर आप अपने प्रेफरेंस लिस्ट में अपने रैंक्स के अकॉर्डिंग आप कोर्सेज को चूज कर सकते हो। सो सिमुलेटेड रैंक लिस्ट विल बी अवेलेबल टू यू ऑन योर पोर्टल ऑन 29th of July एंड ठीक उसके बाद ही, मतलब साइमल्टेनियसली, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट का विंडो भी रीओपन हो जाएगा। अब इसका टाइम आपको 1.5 दिन का टाइम मिलता है, यानी कि 29th of July से लेकर के 30th of July रात में 12 बजे तक का ही टाइम रहेगा आपके पास। तो इस 1.5 दिन के टाइम पीरियड में आप अपने रैंक्स के हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट को दोबारा फिलअप कर सकते हो। सो 3-4 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक है आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कल खत्म हो जाएगा, प्रेफरेंस फिलिंग एज वेल एज योर करेक्शन विंडो विल गेट ओवर बाय टुमारो, फिर 2-3 दिन का टाइम मिलेगा आपको, देन 29th of July को आपका सिमुलेटेड रैंक लिस्ट रिलीज होगा
एंड देन आपका प्रेफरेंस प्रेफरेंस विंडो दोबारा रीओपन होगा, जिसमें आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग नया प्रेफरेंस लिस्ट फिलअप कर सकते हो। एंड उसके बाद दैट इज ऑन योर ऑन 1st of August आपका फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग या सीट एलोकेशन का प्रोसेस फाइनली स्टार्ट हो जाएगा। अब सीट एलोकेशन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने सारे फेजेस को, फेज 1 एंड फेज 2 को कंप्लीट करना है। एंड माइंडफुली थोड़ा सोच के चलिए कि आप कौन से कोर्सेज को प्रेफरेंस देने वाले हो, बिकॉज सिम्युलेटेड रैंक के बाद काफी कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सिम्युलेटेड रैंक लिस्ट एंड द प्रेफरेंस लिस्ट। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट्स है रिगार्डिंग योर सीवीटी स्कोर्स, आपकी रैंक कितनी होने वाली है डीयू में, तो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए बिफोर 29th, क्योंकि उसी दिन पे आपकी रैंक लिस्ट रिलीज हो जाएगी एंड आपके पास सिर्फ एक दिन का टाइम रहेगा प्रेफरेंस को दोबारा भरने का। तो कुछ भी आपके माइंड में डाउट्स हैं जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज आई कैन और आई विल मेक अ वीडियो अबाउट इट। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।